आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी कमर कस चुकी हैं और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज यानी 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां वो जीआईसी ग्राउंड पर एक चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने जाएंगे। इस दौरान अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे और राम मंदिर निर्माण स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वो ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर निर्माण कार्य की जानकारी भी लेंगे। तो चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के चुनावी दौरे शुरू हो चुके हैं और आज इसी कड़ी में अयोध्या के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, जहां वो हनुमानगढ़ी और रामलला में दर्शन पूजन करने के साथ ही मंदिर निर्माण का निरीक्षण करेंगे, मंदिर निर्माण स्थल का निरीक्षण करेंगे और इस दौरान ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और निर्माण कार्य की जानकारी लेंगे। तो अमित शाह आज अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां पे वो जनता को संबोधित करेंगे। चुनावी जनसभा है का आयोजन किया गया है, जिसको संबोधित करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। तो कुछ ही देर में गृहमंत्री अमित शाह अयोध्या में दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही निरीक्षण भी करेंगे निर्माण स्थल का। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने जाएंगे और अमित शाह पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आएंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। जब गृह मंत्री अमित शाह आज अयोध्या के दौरे पर है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनसभा का, चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसको आज संबोधित भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह? राघवेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आज गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा है और चुनाव से पहले सभी पार्टियों का यानी राजनीतिक दलों का जो दौरा है वो शुरू हो चुका है और आज इसी कड़ी में एक बार फिर अमित शाह उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में आज जनसभा करेंगे, रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आज रैली का आयोजन किया गया है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और गृहमंत्री अमित शाह आज अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां वो जीआईसी ग्राउंड पर एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे और अमित शाह पूजा अर्चना करने के साथ ही राम मंदिर निर्माण स्थल पे भी जाएंगे, उसका निरीक्षण करेंगे। जिस तरह से राम मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है, उसकी पल पल की अपडेट रख रही है सरकार और जल्द से जल्द इस राम मंदिर को, जो काम चल रहा है, उसको पूरा कराने की पूरी कोशिश कर रही है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं अयोध्या से। राघवेंद्र, क्या कुछ जानकारी है, कितने बजे जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह? जिस तरीके देखा जा रहा है कि अभी आज कुछ देर बाद रामकथा पार्क में हम गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड करेगा। उसके बाद वो राम जन्मभूमि जाएंगे। राम जन्मभूमि में निर्माण कार्यों की उसका जायजा लेंगे। जायजा लेने के बाद वो राम जन्मभूमि, उसके बाद राम हनुमानगढ़ी, हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। दर्शन पूजन करने के बाद वो सीधे मगरामदास सौनी जाएंगे, जो कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट अध्यक्ष हैं। मानसमित गोपाल दास जी, उनसे भी मुलाकात करेंगे। वहां से मुलाकात करने के बाद ये सीधे जीआईसी ग्राउंड पर जाएंगे और जो वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। जी जी, हम ये जानना चाहेंगे राघवेंद्र की कितनी देर रहेंगे अयोध्या में अमित शाह? जी बिल्कुल, लगभग ये 3 से 4 घंटे का इनका पूरा का पूरा प्रोग्राम है अयोध्या में रहने का। उसके बाद ये यहाँ से सीधे यहाँ से निकलेंगे अयोध्या से 3:30-4 बजे के बाद डोरिया निकले। जी, तो चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया, इसमें कितने लोगों के जुटने की संभावना है? देखिए, अगर लोगों के जुड़ने की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्थानीय लोगों की अगर बात की जाए तो जनसमूह जो है वो उम्र के लगभग लाखों पर लाख की भीड़ रहेगी और इसको जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जो हैं और वो पूरी तरीके से यहाँ वाहनों के साथ में उनको ले जाने के लिए उनका पूरा वो किया हुआ है, इंतजाम किए हुए हैं।
और इसको लेकर के सारे काम जो है वो जीआईसी ग्राउंड तक पहुंचेंगे। हर बार अपनी जो है चुनावी सभा के दौरान जितने भी राजनेता हैं वो विपक्ष पर निशाना साधते हैं और अपने कामों को गिनाते हैं, तो अमित शाह जब अयोध्या आ रहे हैं तो किन बातों का मुख्य रूप से वर्णन कर सकते हैं? देखिए, अगर रही बात 2022 चुनाव को लेकर के, तो सभी पार्टियां विपक्ष जो भी है वो एक सवालिया निशान हर एक लोग के ऊपर खड़ा करता है, तो इसको लेकर के अमित शाह जो है वो देखिए अयोध्या सबसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कि अयोध्या के लिए देखिए क्या क्या सौगात देते हैं या 2022 के लिए कोई नया क्या यहाँ पे निकाल के आप देते हैं। जी, तो चुनावी सभा का आयोजन तो किया गया है, कोरोना का खतरा भी एक बार फिर से मंडरा रहा है, तो क्या कुछ तैयारियां की गई है कोरोना को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, कोरोना को लेकर के सबसे पहले कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, जिसको मास्क और सैनिटाइजर हर एक चीज का वहाँ पे बंदोबस्त किया गया है और सारी चीजें जो है वो यहाँ पे रिपोर्टर पत्रकारों को लेकर के और स्थानीय लोगों को लेकर के नेताओं कार्यकर्ताओं को लेकर के सारी चीजें वहाँ पे कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए बोला। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता राघवेंद्र जुड़े थे। तो सीधे तौर पर आज बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनावी सभा का आयोजन किया गया है जिसे संबोधित करेंगे अमित शाह और अपने कार्यकाल के बारे में बात कर सकते हैं, विपक्ष में निशाना साध सकते हैं और साथ ही राम मंदिर के ऊपर भी बात कर सकते हैं। सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में योगी आदित्यनाथ दौरे पर जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी आईटीआई मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव से रायबरेली आ रही जनविश्वास यात्रा का समापन भी करेंगे। तो जनविश्वास यात्रा का समापन करते हुए भी नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि जनविश्वास यात्रा हर जिले में जा रही है, जनता को जागरूक कर रही है, सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है और उसी को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रायबरेली आ रही जनविश्वास यात्रा का समापन करेंगे। और सीधे तौर पर रायबरेली जो कि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और वहां पे आज चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे सीएम योगी। आईटीआई मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मुख्यमंत्री उन्नाव से रायबरेली आ रही जनविश्वास यात्रा का समापन भी करेंगे। तो राजनीति तो देखने को मिल रही है, चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और अलग अलग जिलों में यात्राएं जा रही हैं, जनसमूह इकट्ठा हो रहा है और जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आते हैं सभी राजनेता। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ सोनिया गांधी के गढ़ रायबरेली से जनविश्वास यात्रा का समापन करेंगे, जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। और इस खबर में हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सीएम योगी के आने से पहले? में जो है ये 2 बजे के लगभग में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और जो है एक विशाल जनसभा को जनविश्वास यात्रा का समापन भी करेंगे। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पर एकमात्र कांग्रेस के विधायक जो हरचंदपुर से विधायक थे वो पूरी तरह से जो है भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की जनसभा में जिस तरह से उनकी होल्डिंग लगी हुई है वो इस बात को दर्शा रहा है कि रायबरेली जो है पूरी तरह से कांग्रेस मुक्त होने जा रही है। जी, तो सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, तो इस बार कितना बदलाव देखने को मिला है? जी निश्चित, क्योंकि यही एक विधायक है अदिति सिंह ने पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और आज जो है हरचंदपुर से कांग्रेस के विधायक राकेश सिंह की संभवतः उम्मीद है कि योगी के सामने शामिल होंगे। जी, तो दल बदलने का दौर चल रहा है जहां कांग्रेस के नेता छोड़ रहे हैं दामन एक दूसरे का, तो क्या लगता है बीजेपी और मजबूत होती नजर आ रही है रायबरेली में? जी हाँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बहुत मजबूत हो रही है, क्योंकि जिस तरह से इस ग्राउंड पर जनसैलाब उबलने की पूरी संभावना है। हालांकि ये आईटीआई के ग्राउंड में ही कैमरामैन से दिखाए एक बार, ये यहाँ पर ये हेलीपैड भी बना हुआ है, यहाँ पर यहीं पर
मुख्यमंत्री उतरेंगे और यहीं से जनसभा स्थल पर जाके इन जनसभा को संबोधित करेंगे। जी, तो जिस तरह से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी देखने को मिलेगी, तो कोरोना गाइडलाइंस का कितना पालन करा जाएगा और क्या कुछ तैयारियां की गई है कोरोना के मद्देनजर? कोविड प्रोटोकॉल के तहत कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो पाएगी। छुट्टी कुर्सियां जिस तरह से लगी हुई है वो इस बात को नहीं दिखा रहे हैं कि सोशल, लेकिन कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन और मास्क को अनिवार्य किया गया है जनसभा में आने के लिए। जी, और कितने लोगों की भीड़ जमा हो सकती है इस मैदान में जनसभा के दौरान? कम से कम 1 लाख से ऊपर ज्यादा जो है लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है इस ग्राउंड में, और जो अभी से लोगों का जमावड़ा चालू हो चुका है। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है। जी उमशंकर, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज संबोधन देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो क्या कुछ बातें कह सकते हैं मंच से? लगभग 834 करोड़ की 381 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करने का कार्यक्रम है, साथ ही दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल भी यहाँ पर बांटी जाएगी। जी, संबोधन के दौरान क्या कुछ कह सकते हैं, विपक्ष पर निशाना साध सकते हैं किन मुद्दों को लेकर? निश्चित उनका निशाना जो है समाजवादी पार्टी और सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण कांग्रेस ही उनके निशाने पर रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे रायबरेली से। तो सीधे तौर पर आज कई योजना और परियोजना की सौगात भी देंगे, और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ITI मैदान में जनता को संबोधित करेंगे तो बड़ा जनसैलाब उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। और रायबरेली में जो आज उन्नाव से जन विश्वास यात्रा आ रही है उसका समापन भी होना है, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता है क्योंकि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है रायबरेली, और यहाँ पे काफी मजबूत मानी जाती है कांग्रेस, और यहाँ पे जब सीएम योगी लगातार दौरों पर बने रहते हैं रायबरेली में, और आज भी कई बड़ी सौगातें दे रहे हैं, और इन्हीं सौगात को देखते हुए बड़ा जनसैलाब उमड़ेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।